जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, साथियों, मित्रों। आज का विषय जो चर्चा का आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है कोहिनूर डायमंड। तो आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा हीरा को किसको कहा जाता है? कोहिनूर को। तो ये जो कोहिनूर हीरा है वह है ना, उस पर ना सब भारत का ही हक बताया जाता है। हालांकि अभी ये ब्रिटेन में है, ब्रिटेन की महारानी इसको पहनती है, उसके मुकुट में ब्रिटेन की जो महारानी है, रानी है, उसी के मुकुट में ये रहता है। तो ये ना सो इंग्लैंड अंग्रेज सब है ना सो जब भारत में शासन किया तो इसको जबरदस्ती है ना छीन के ले गया। लेकिन ये है ना मूलतः कहाँ कहाँ का है, ये जो कोहिनूर हीरा है ये भारत का ही है। तो इसका कहाँ से मिला था? आंध्र प्रदेश में एक है ना खान है, कोल्लूर का खान। आंध्र प्रदेश में एक जगह है कोल्लूर, तो उसी के खान में, उसी के माइंस में इसका है ना सो ये मिला था। तो दुनिया का सबसे बड़ा तराशा हुआ हीरा है, सबसे बड़ा हीरा है, और ये इस पर पूरा भारत का ही हक है, भारत का ही एकाधिकार है। लेकिन अभी ब्रिटेन में चला गया है। तो इसका कहाँ पर मिला था? तो आंध्र प्रदेश का में है ना सो कोल्लूर का जो खान है, तो वहीं से इसको निकाला गया, तो वहीं पर ये मिला था। तो ये आज से बहुत साल पहले, लगभग है ना सो 14वीं शताब्दी में या उससे भी पहले का ही बात करते हैं। इसके बारे में लोग बोला जाता है कि सबसे पहले है ना सो ये तो बहुत ही पुराना किंवदंती है कि ये तो बहुत ही पुराना, लगभग 5000 साल पुराना ये हीरा है, कोहिनूर हीरा। तो इसको ना सो बाद में जो नादिर शाह है ईरान का, जो ये ईरान का जो शासक है, वो जब उसके पास गया तो इसका नाम है ना कोहिनूर दिया, कोहिनूर रखा। तो कोहिनूर है उसका है ना सो पारसी भाषा में, फारसी भाषा में उसको कोहिनूर का मतलब क्या होता है? रोशनी का पहाड़। लेकिन इसका किंवदंती यह है कि बहुत ही पुराना हीरा है, लगभग 5000 साल पुराना हीरा। और वहाँ आना सो साउथ में एक है ना देवी देवता थी, बहुत ही प्रसिद्ध देवी देवता थे, तो उन्हीं के ना सो ये ना सो मुकुट में, जो हमारे जो हिंदू देवी बहुत ही प्रसिद्ध एक देवी देवता थी साउथ में, दक्षिण भारत में, उन्हीं के मुकुट में ये जरा हुआ था। लेकिन बाद में क्या हुआ, कोई इस्लामिक शासन ने इस पर मंदिर पर हमला किया। आप जानते हैं मंदिर पर कितना हमला होता था पैसा धन दौलत के लिए, तो इस्लामिक शासन ने कुछ है ना सो इस पर हमला किया और उसमें से देवी देवता के मुकुट से ये निकाल लिया। फिर है ना सो कितना अनेक शासकों के होते हुए यह ना नादिर शाह के पास पहुंचा। तो ईरान का शासक था नादिर शाह, जिसने ना सो ये है ना सो मुगल शासक से ये ना सो ये हीरा है ना सो जबरदस्ती छीन लिया, आक्रमण भारत पर आक्रमण करने आया और ना सो पगड़ी बदल लिया मुगल शासक से। तो है ना उसमें है ना सो ये कोहिनूर हीरा ले गया और ना सो ले गया। और फिर उसका ये जो नाम है ना कोहिनूर है ना, वही नादिर शाह ही रखा हुआ है। इसका फारसी भाषा में इसका है रोशनी का पहाड़ कहा जाता है। तो ओरिजिनल ये है ना सो भारत में ही इसका ये इस पर हक है, भारत का ही ये हीरा। लेकिन अभी ये ब्रिटेन की महारानी जो है ना सो जब अंग्रेज भारत में शासन करता था तो वो भी ना इसको जबरदस्ती है ना से यहाँ से छीन के ले गया। और ब्रिटेन की महारानी है जो क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय जो अभी मरी है, तो उसी के मुकुट में, उसी के सर के ताज पर ये है रखा हुआ। तो इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, ये है ना कोहिनूर हीरा क्या है। तो देखिए ये जो कोहिनूर हीरा है तो है ना सो ये तो अभी देखते हैं कि देखिए अभी क्या है कि अंग्रेज सब है ना भारत से छीन के ले गया। अभी है ना सो ब्रिटेन की जो राजकुमारी है, महारानी, ये सब है ना इसको अपने सर के ताज में, मुकुट में बना के पहनती है। तो ये है ना सो तो हमारा ही हम भारत का ही चीज छीन के ले गया। तो अंग्रेज लोग तो कितना चीज़ भारत से ले गया है ना सो, जहाज में भर भर के सोना चांदी, कितना हीरा जवाहरात, ये सब क्या था, उपनिवेश बनाया था सारा चीज़ है ना सो, यहाँ से ढो ढा के ले गया जो भी कीमती चीज था, सोने की चीज़ या देश को कंगाल कर दिया कौन, तो अंग्रेज लोग। तो अब इस पर चर्चा हो रहा है कि इसको है ना भारत लाया जाए। अब हमारा देश आज़ाद हो गया है, यहाँ पर ना सो RSS BJP राष्ट्रवादी सरकार बन गया है। तो अब है ना इस पर चर्चा हो रहा है कि इसको है ना सो फिर से लाया जाए। नरेंद्र मोदी ने है ना अभी क्या किया कि हुआ कि है ना सो जर्मनी में है ना भारत का जो कुछ मूर्ति है, देवी देवता का मूर्ति चोरी हो गया, तो पता चला कि ये जर्मनी के है ना सो म्यूजियम में है। तो जर्मनी के सरकार से बातचीत हुआ तो नरेंद्र मोदी ने उस मूर्ति को फिर से वापस देश में लाया। अभी बनारस में सुने थे कि वहाँ की जो है ना सो अन्नपूर्णा देवी का मंदिर बहुत पहले चोरी हो गया था, वो भी विदेश का, कर्नाटक इस समय रखा हुआ था। तो फिर है ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको है ना मंगवाया। फिर ऑस्ट्रेलिया से भी जो चोरी की है ना मूर्ति, उससे सब ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और कहाँ चला गया, चोरी हुआ भारत से और ना सो वहाँ चला गया। फिर पता चला, अभी नरेंद्र मोदी को पता चल रहा है तो उनको मंगवाए हैं मूर्ति सब विदेशी जो है ना सो चुरा के ले गया था। अब है ना सो ये तो अंग्रेज भी तो चोरे था, डकैत था, तो वो भी चुरा के ले गया। तब इसको भी है ना सो ये तो भारत का चीज़ है, तो इस पर है ना सो भारत का दावा बनता है, तो ये अंग्रेज के पास किस लिए है? हर भारतीय को ये लगना चाहिए कि नहीं, ये कोहिनूर हीरा भारत का है, भारत में ही रहना चाहिए। और इसको कोई हमारा ना सो ये जो पंजाब के जो महाराजा थे रंजीत सिंह,
तो ये है ना सो अफगान के, ये है ना सो नादिर शाह के बाद है ना अफगान के शासक से के पास चला गया। तो है ना पंजाब के जो महाराजा थे रणजीत सिंह, उन्होंने अफगान शासक को हरा के उससे ना कोहिनूर हीरा वापस दिया और उन्हीं के पास था। तो ये महाराजा रणजीत सिंह का ये विचार था कि इस ये जो कोहिनूर हीरा है वो पुरी के जगन्नाथ मंदिर में इसको रख दिया जाए, है ना, जो जगन्नाथ मंदिर उसमें रख दिया जाए। लेकिन किसी कारणवश ये नहीं रहा, नहीं रखाया। फिर है ना सो महाराजा रणजीत सिंह का मृत्यु हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसका शासक उनका बेटा है ना वहाँ का है ना महाराजा रणजीत सिंह का बेटा दिलीप सिंह, वो है ना पंजाब का शासक बना। तब जानते हैं महाराजा रणजीत सिंह का एम्पायर बहुत तरह कश्मीर में भी फैला हुआ था, पूरे पंजाब में अफगानिस्तान तक के बॉर्डर तक को छूता था। तो ये है ना महाराजा रणजीत सिंह के मरने के बाद दिलीप सिंह के पास गया, वहाँ के राजा बने। लेकिन दिलीप सिंह है ना तो काफ़ी कमजोर, काफ़ी कम उम्र था उस समय ना, पंजाब का जो शासक था वो काफ़ी कमजोर हो गया था। और फिर है ना सो जब अंग्रेज और है ना सो जब अंग्रेज और है ना सो ये जो है ना सो ये दिलीप सिंह इस सब के बीच में जब युद्ध हुआ सिख अंग्रेज और सिखों के बीच युद्ध हुआ, तो उसमें ना दिलीप सिंह की हार हो गई। जब दिलीप सिंह की हार हो गई तो उसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों ने क्या हुआ उसमें एक संधि हुआ, लाहौर का संधि हुआ, लाहौर का ट्रीटी ऑफ लाहौर कहा जाता है, लाहौर का संधि। तो उसमें है ना क्या हुआ कि महाराजा जो वहाँ के राजा थे महाराजा दिलीप सिंह, तो उनको है ना सो पूरा है ना सो ये जो है ना सो सिख एम्पायर या कहे कि लाहौर पूरा है ना सो इस ट्रीटी में अंग्रेजों को देना पड़ा। तो पूरा लाहौर क्या किया कि इस ट्रीटी में महाराजा दिलीप सिंह को मजबूरी में जबरदस्ती का संधि का या मजबूरी में ये अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। और साथ ही ये ना ये तो जबरदस्ती का ट्रीटी था, संधि था, उसमें है ना सो ये है ना सो लाहौर तो अंग्रेजों के पास गया ही, साथ ही ये है ना कोहिनूर हीरा भी ईस्ट इंडिया कंपनी को सरेंडर करना पड़ा। तो ये है ना अंग्रेजों के पास ये कोहिनूर हीरा कहाँ से आया, तो ये है ना सो मारा ये जो लाहौर की ट्रीटी हुई थी जो जबरदस्ती का संधि हुआ है, जिसको कहा जाता है हड़पा हुआ ये है। तो ये है ना सो उसमें है ना सो लाहौर भी गया और ये है ना सो कोहिनूर हीरा भी मजबूरी में महाराजा दिलीप सिंह को अंग्रेजों को या ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपना पड़ा। तो ये है ना अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हड़पा हुआ हीरा है, मजबूरी का संधि है, जबरदस्ती का संधि है, हड़प लिया पूरा लाहौर हड़पा, और यही नहीं कोहिनूर हीरा भी हड़प लिया। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि कोहिनूर हीरा ले जाके इंग्लैंड के अंदर जो ब्रिटेन का जो राजा है महाराजा है उसको सौंप दिया, वहाँ का राजकुमार को सौंप दिया। और तब से ये ब्रिटेन में ही है, लगभग 170 साल से ब्रिटेन में ही है। और इसको श्रापित हीरा कहा जाता है, श्रापित हीरा इसलिए कहा जाता है कि ये जिस राजा के पास रहा है उसका है ना तो पूरा राजपाट सब खत्म हो गया, चौपट हो गया, उसका सब चीज़ बर्बाद हो गया। ये इसका इतिहास यही बताता है कि जिस राजा के पास गया उसका पूरा राजपाट पूरा खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, वो भी कहीं का नहीं रहा। तो ये पूरा जहाँ तक गया मुगल शासन हुआ या है ना सो अलाउद्दीन खिलजी हुआ या तुगलक या जिसके पास भी गया है अफगान शासक नादिर शाह, ये सब का है ना सो पूरा जिसके पास रहा ये सब है ना उसको है ना ये हीरा है ना सो अपशगुन ही हीरा माना जाता है। लेकिन अंग्रेज के पास गया तो अंग्रेज का भी है ना जो 70 देशों में सूरज कहा जाता है कि अंग्रेज का राज इतना बड़ा था कि इसमें सूरज कभी नहीं डूबता। तो ये पूरा अंग्रेजों का भी पूरा हर जगह से जब अंग्रेज के पास गया तो पूरा इसका है ना सो उसको है ना सो सब देश को आज़ाद करना पड़ा, पूरा अंग्रेज ब्रिटेन भी छोटा सा देश बन के रह गया। तो ये स्थापित ही रहा अंग्रेज के पास गया तो ये अंग्रेज का भी पूरा एम्पायर खत्म हो गया। तब छोटा सा देश ब्रिटेन है ना, इतना छोटा सा देश यूरोप का वही है ना बचा हुआ है। लेकिन कोहिनूर हीरा वहीं के इंग्लैंड का जो है ना सो राजा महारानी या रानी लोग यही सब है पहनती है, जो वहाँ का राजा होता है उसकी कनिया या वहाँ की जो क्वीन होती है वही उसी के मुकुट में अब है ना ये है ना सो जड़ दिया गया है। और उसमें अनेक हीरा सब भारत से चोरी करके इंग्लैंड जबरदस्ती ले गया था, तो ये वह महारानी के मुकुट में ही सब हीरा ये सब है। और इसका वर्तमान में कीमत कितना है, देखिए ये जो है ना कोहिनूर हीरा है तो 105 कैरेट का हीरा है। इसको है ना सो अंग्रेज ले गया तो फिर उसको तराशा ये सब महारानी के मुकुट में लगा दिया, तो ये 105 कैरेट का हीरा है, 105 कैरेट का हीरा है। और इसका अभी मौजूदा दाम कितना है, लगभग 4600 करोड़ रुपया इसका कीमत होगा कोहिनूर हीरा का। अभी ये वर्तमान में कीमत लगा आ जाए तो 4600 करोड़ रुपया इतना ही ये कीमत होगा। तो 1949 में 1849 में इसको कोहिनूर हीरा महाराजा दिलीप सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सरेंडर कर दिया। उसका ईस्ट इंडिया कंपनी जाके इंग्लैंड के राजा महाराजा को दे दिया, तब से 170 साल से वहीं है। तो इसको वापस लाना है। तो आप जानते हैं कि ये जो महाराजा रणजीत सिंह के पास जब हीरा था तो वो चाहते थे कि पूरी के जगन्नाथ मंदिर में इसको रख दिया जाए देवी देवता के पास। तो इसको है ना अभी है ना अंग्रेज के यहाँ से हम मंगवाना है,
अब मंगवा के अंदर लाएंगे आप, फिर अंदर उसके बाद फिर अंदर इसको किसी देवी देवता या जो भारत का जो बहुत ही प्रसिद्ध जो हिंदू देवी देवता है उसके मूर्ति में फिर से इसको रत्न जड़ित करके देश का गौरव फिर से बढ़ाना है। तो ये काम करना है, आप कौन करेगा, भारत के जो मोदी सरकार है यही काम करेगा। अब देखिए ये तो बात है, भारत इस भारत का तो दावा बनता ही है भारत पर, लेकिन इस पर और भी देश दावा करता है। अब कौन कर रहा था, पाकिस्तान, इसीलिए कि लाहौर ट्रीटी, लाहौर अभी कहाँ है, पाकिस्तान ही में पड़ता है। तो ये लाहौर ट्रीटी जब संधि हुआ था जिसमें कि जबरदस्ती है ना सो अंग्रेजों ने महाराजा दिलीप सिंह से ये छीन लिया था, तो ये पाकिस्तान इस पर जरा बोलता है कि नहीं ये तो कोहिनूर हीरा मेरा है, भारत बोलता है नहीं मेरा हीरा है। अच्छा ईरान भी इस पर दावा करता है, कहते हैं नादिर शाह के पास था कुछ दिन तक ईरान भी रहा, ईरान भी इस पर अपना दावा ठोकता है। अफगानिस्तान वाला जो तालिबान है इस पर भी वो सब भी है ना सो दावा ठोकता है कि नहीं ये हीरा है। तो लगभग है ना सो जो भी है ना सो भारत के आसपास का देश है ना, इंडिया, भारत, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, ये सब देश इस पर है ना दावा ठोक रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा मजबूत इसका दावेदार कौन है, भारत है, क्योंकि उस समय पाकिस्तान में जो लाहौर था वो भी तो भारत में ही उस समय था। तो ये जो जो चोरी का माल है, हड़पा हुआ माल है, अब अंग्रेज का क्या है, भारत सरकार ने एक बार ना सो बोला कि नहीं हमको हीरा लौटा दीजिए, मेरा हीरा है, आप यहाँ से ले गए जबरदस्ती करके ले गए। तो अंग्रेज का सरकार क्या बोलता है, अंग्रेज का जो प्रधानमंत्री वो बोलता है कि नहीं महाराजा रंजीत दिलीप सिंह ने उपहार में दे दिया था, भेंट में, गिफ्ट में, ये हीरा हमको गिफ्ट में मिला हुआ है। जब हम लोग है ना सो लाहौर जीत गए, सिख एम्पायर जीते, तो ना गिफ्ट में उपहार में ये हमको मिला हुआ है, जबरदस्ती का नहीं। जबकि वास्तविकता यह है कि ये हड़पा हीरा है। जबरदस्ती का संधि हुआ था एक है ना लाहौर ट्रीटी, जिसमें जबरदस्ती से अंग्रेज ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको है ना सो महाराजा दिलीप सिंह से छीन लिया था। अंग्रेज बोलता है कि नहीं हमको गिफ्ट में मिला हुआ, आप उपहार में मिला हुआ है, इसलिए हम इसको कभी देंगे नहीं। अब भारत का कहना है कि नहीं आप तो जबरदस्ती इसको लिए हुए हैं, हड़पा हुआ एक तरह से भारत का हीरा है, आपको गिफ्ट नहीं किया गया था, अब ये दांव पे चल रहा है। तो इसको भी है ना जबरदस्ती है ना सो भारत जब तक छीनेगा नहीं, ऐसे घी सीधी उंगली से तो नहीं निकलता, इसको उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। तो जितना भी ब्रिटेन का जो कंपनी सब है, मल्टीनेशनल कंपनी सब भारत में काम करता है, भारत में करोड़ों अरबों खरबों रुपया अभी भी भारत से लूट के अंग्रेज जा रहा है। इंग्लैंड में क्या है, इंग्लैंड में कुछ है ही नहीं, ब्रिटेन में खाली पहाड़ है, -डिग्री, 6 महीना तो वहाँ पर बर्फ ही रहता है, कुछ तो वहाँ पर तेल नहीं है ना, वहाँ पर खेती होता है ना फसल होता है, फिर भी इतना पैसा वाला देश है तो भारत में बिजनेस करता है। अगर जितना भी मल्टीनेशनल कंपनी सबको सरकारीकरण कर दिया जाए, इस पर ना सो बोल दिया जाए कि सारा संपत्ति हम सीज कर लेंगे, तो इंग्लैंड पूरा क्या यूरोप पूरा दिवालिया हो जाएगा, उसको कुछ खाने पीने का पैसा नहीं रहेगा। तो उसको जबरन ना सो ऐसे करेंगे तो जबरन अपना कोहिनूर हीरा देगा। अगर कड़ा फैसला लिया जाए कि अगर भारत में कोई भी इंग्लैंड का कंपनी रहेगा तो जब तक कोहिनूर हीरा नहीं देगा वो हमको दे दे, नहीं तो है ना जितना भी इंग्लैंड का जो ब्रिटेन का कंपनी हो सबको भारत से निकाल बाहर करेंगे, सबका सरकारीकरण कर देंगे, जितना पैसा है सब भारत सरकार गवर्नमेंट का हो जाएगा, अपने वो है ना भिखमंगा देश हो जाएगा, उसको झक मार के देना पड़ेगा। तो ये इस तरह से होगा, इस पर मजबूत बन के होगा, इस तरह से गिड़गिड़ाने से नहीं होगा। तो इस पर ये मौका है अभी, कून इलिजाबेथ टू है ना सो मर गई, अब वहाँ का है ना सो प्रिंस चार्ल्स वहाँ का राजा बनेगा। अब उसकी घर वाली है तो वो उसी के ना मुकुट पर ये रहेगा, ये शापित ही रहा ना, जिस राजा महाराजा के रहा उसका राजवंश का राजपाट सब चौपट हो गया। इसलिए अंग्रेज सब नियम लगा दिया कि कोई भी राजा अब इस मुकुट पर इस हीरा को नहीं पड़ेगा, यानी कि राजा के जो सर पर जो मुकुट होता है उस पर ये हीरा नहीं रहेगा। तो वो अब तब से वे नियम हो गया कि वहाँ की जो रानी होती है, महारानी होती है, उसी के मुकुट पर वही पहनती है, उसी के मुकुट पर यह कोहिनूर हीरा रहता है, वहाँ का राजा ये सब नहीं पहनता है। इसलिए नहीं पहनता है कि अगर हम कोहिनूर ये अपने मुकुट पर राजा कोई अगर पहन लें इंग्लैंड का, ब्रिटेन का, तो उसका पूरा राजपाट सब है ना नष्ट हो जाएगा, चौपट हो जाएगा, श्रापित हीरा है, इसलिए वहाँ की रानी का महिला ही पहनती है। तो ये इसका इतिहास है, तो इसको लाना है, इसके लिए ना सो कड़ाई से करना होगा। तो जब तक है ना कड़ाई नहीं करेंगे, आप देखिए ब्रिटेन है तो यहाँ का विजय माल्या वो भी ब्रिटेन में ही बैठा हुआ है, भारत सरकार चाहता है लाने के लिए तो ये नहीं आ रहा है, यहाँ या बैंक घोटाला करके जा रहा है ये नीरव मोदी, या और भी बैंक घोटाला किया हुआ है मोदी सब, तो सब ब्रिटेन लंदन में बैठा हुआ है, भारत सरकार बोलता है नहीं दे रहा है। तो जितना भी इंग्लैंड का जो कंपनी है ना सबको है ना संपत्ति सीज करके फ्रीज कर देना, बोला कि अब तुमको भारत में धंधा नहीं करना है, भागो। वो अपने है ना सो
भिखमंगा देश बन जाएगा। इंग्लैंड के पास तो कुछ है नहीं, वो अपने झक मार के हीरा देगा, विजय माल्या देगा, मोदी देगा, नीरव मोदी, ये सब है ना घोटाले बाद जो है ना वहाँ पर बैठा हुआ है, सब कुछ देगा, अपने आप सोचेगा। तो एकदम कड़ाई से फैसला लेंगे तभी होगा। वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक करने के बाद सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।